स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो मैं विदाउट स्पेक शूट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा लेसिक जो है वो हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरा लेसिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कुछ आपके जो लास्ट जो मैंने लेसिक का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रोसेस बताया था कि आप कैसे सस्ते में लेसिक करवा सकते हैं, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे। वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कमेंट में, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पिक किए और आपके साथ में मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो उनको रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपको थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो अगर आप ये सोच के आज का वीडियो ओपन किया है, वैसे तो आपको थंबनेल में और टाइटल में भी दिख रहा होगा कि आज का वीडियो जस्ट फॉर लेसिक है, लेसिक्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप कुछ भी ट्रेवल ब्लॉग या कोई एडवेंचर पार्क का टैप करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो आज के इस वीडियो में। अगर आपको लेसिक करवाना है सस्ते में इंडिया में, तो वो कहां पर होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा और आपको लेसिक करवाना है या फिर आई की सर्जरी करवानी है जिससे आपका चश्मा हट जाए, तो आप मेरा आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा उसको ज़रूर देखें। उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट ये है जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने नहीं देखा तो, नहीं तो अगर आपने देखा है तो ये वीडियो तो है ही है जिसमें आपको मैं बताऊंगा आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही स्मूथ रहा, मतलब मुझे सर्जरी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, मानते हैं कि मतलब जो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे सब यूट्यूब पर ऐसे थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, तो ऐसे ही सब यूट्यूब पर आजकल ऐसा है कि 99% जो लोग हैं उनको सबको जो है कॉन्ट्यूरा विज़न करवाना है, मतलब कॉन्ट्यूरा ही करवाना है, क्योंकि कॉन्ट्यूरा जो है सबसे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है वो आइज़ का सर्जरी होती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, वहाँ पे कॉन्ट्यूरा वाला इतना कोई ना, वो मशीन ख़राब थी पहले जब मैंने करवाया तब तक मशीन ख़राब थी, अब आई डोंट नो वो मशीन स्टार्ट हो गई है, रिस्टार्ट हो गई या नहीं, आई डोंट नो। और मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ कि मैं एक तरीके से दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं सुबह 8 बजे गया था, उन्होंने मुझे टाइम दिया, उसके बाद में जो है हमें रेडी कर दिया 10 बजे तक, और मतलब ऐसा था कि हमको मास्क वगैरह और वो जो गाउन वगैरह होता है उनका ओटी वाला वो सब पहन के हम बैठ गए, 2 घंटे बैठे रहे। फिर बाद में 2 घंटे बाद वो मैंने पूछा एक डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर थे, तो वो बोले कि अभी वो जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अभी राउंड पे गए हुए हैं, तो जब वैसे ही जैसे वो राउंड से आएंगे उसके बाद में ही सर्जरी का प्रोसेस होगा। तो मेरा सेकंड नंबर था, और उस दिन टोटल 7 सर्जरी होनी थी, कुछ जो थी वो स्माइल की थी और कुछ जो थी वो लेसिक की थी, कॉन्ट्यूरा की मशीन ख़राब है और इस ICL का कोई भी नहीं था। और यही है कि वहाँ पे फिर सर्जरी हुई, तो पहले जो मेरे से पहले थी एक लड़की, उसका तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जब मेरा हुआ तो मेरा एक आई का, राइट वाली का हो गया था सक्सेसफुली, लेफ्ट वाली आई का मेरा हुआ। तो जैसे दो प्रोसेस होता है, एक में क्या करते हैं वो लेंस को, आपने वीडियो में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो क्या प्रोसेस होता है लेसिक का, मेरा लेसिक हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो आपको अगर लास्ट वीडियो से आप अगर ये इस वीडियो पर आ रहे हैं तो आपको सब पता ही होगा कि मेरा क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं जो है पहले क्या करते हैं, वो एक साइड में जो अपना कॉर्निया होता है कॉर्निया को कट करते हैं, देन वो कट करने के बाद आपको आपको उसी मशीन पे लेटे रहना और आपको दूसरी साइड मशीन ले जाएगी, और उसमें वो क्या करेंगे, कॉर्निया का जो फ्लैप काटा उसको ऐसे ऊपर करेंगे, बुक जैसे बुक का पेज अपन ओपन करते हैं ना ऐसे, वो ओपन करेंगे और फिर वो लेज़र से जो है अंदर वाला पूरा पार्ट जो है उसको क्लीन कर देंगे, जला देंगे, कुछ भी कह लो आप लेज़र से। और उस टाइम पे वो बोलते हैं कि आपको जो ग्रीन जो लाइट ऊपर दिख रही है उसमें देखना है, तो वो क्या होता है जस्ट 1 सेकंड, मतलब 30 सेकंड का प्रोसेस होता है, वो हो जाता है। बट क्या हुआ, जब राइट आई का पूरा कंप्लीट हो गया और लेफ्ट वाली आई में कॉर्निया कट होना था, तो कॉर्निया कट होने के बाद में मशीन में एरर आ गया और वो मशीन वहीं पे स्टॉप हो गई। अब मैं उस मशीन में लेटा रहा कम से कम 20-25 मिनट, क्योंकि कॉर्निया कट होने के बाद मेरे को सेकंड स्टेज के लिए जाना था जहाँ पे वो क्लीन होना था मेरा कॉर्निया का फ्लैप खोल के। तो फिर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ह्यूमन कोई ऐसी गलती नहीं थी, वो मशीन है, कभी भी थोड़ा एरर वगैरह आ सकता है, जैसे कंप्यूटर में एरर आ जाते हैं ऐसे ही वो मशीन में एक एरर आया। 15-20 मिनट फिर मैं ऐसे ही लेटा रहा, उसके बाद में फिर वो उन्होंने कुछ टेक्नीशियन को बुलाया, फिर उस मशीन को स्टार्ट करके फिर उन्होंने जो है मेरा वो लेज़र वाला काम किया। उसके बाद में जब हो गया सब, तो ये सब करने के बाद क्योंकि टाइम मेरा लग गया था, वैसे जनरली 5 मिनट लगते हैं, और लेकिन पहले वो क्या करते हैं आपको आपकी आईज जो है ना वो बिल्कुल एक तरीके से सुन कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं उनके पास ऐसा डबल टेप टाइप कुछ होता है, तो ऐसा वो क्या करते हैं ये अपनी पल को ऐसे चिपका देते हैं दोनों साइड से, और फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप डाल के और सब कुछ करते हैं।
देन जब हो गई मेरी सर्जरी तो ऐसा कुछ हुआ कि जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया के अंदर मतलब कॉर्निया जो उन्होंने फ्लैप कट किया था उसमें ना कुछ कुछ पार्ट कुछ आ गया था, जैसे बाल टाइप का कुछ आ गया था, छोटा सा पार्टिकल। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपका ये आ गया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मुझे अगर पूरा दिन भी रुकना पड़ेगा कोई बात नहीं। और वो वाला किस में हुआ था? राइट वाली में हुआ था, जिसमें लेफ्ट वाली में तो मेरा मशीन बंद हो गई थी, लेकिन वो जो पार्टिकल कुछ आया था ना वो राइट वाली में आया था। अब वो पता नहीं क्यों आया, बट उन्होंने अपनी मशीन से, जैसे वो सर्जरी करने के बाद में एक मशीन में चेक करते हैं, तो उन्होंने देखा कि आपके आई में कुछ है कॉर्निया में। तो फिर वो दोबारा मुझे ओटी में ले गए, फिर उन्होंने फ्लैप तो ओपन नहीं किया लेकिन कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाले जिससे क्लीन किया। देन उसके बाद में मुझे उन्होंने फ्री किया। उसके बाद में उन्होंने ये बोला, जैसे सपोज़ मैं सुबह 8 बजे गया था और मेरी अप्रॉक्स 12 बजे सर्जरी हुई, तो क्योंकि मेरा ये मशीन वगैरह का पंगा हो गया था तो मैं उससे 1:30 बजे फ्री हुआ था, 1.5 घंटे में। और फिर मुझे वो कुछ पार्टिकल भी आ गया तो मुझे 1.5 घंटा लग गया। वैसे टोटल प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं अगर आप स्माइली या लेसिक करवाते हो। और कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मशीन सबके लिए बंद हो जाएगी। साथ में से सिर्फ मैं अनलकी था जिसलिए मेरे लिए हो गई, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आज की टाइम, कोई भी दिक्कत नहीं मुझे तो। और डॉक्टर्स भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डॉक्टर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कुछ ऐसा कुछ काम चोरी वगैरह करें, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर बहुत सही साफ है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि जैसे मैं 2 बजे निकला था, उन्होंने बोला कि आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा सोना है, कुछ भी नहीं करना। बट क्या होता है, जैसे आप सर्जरी करा के आओगे ना तो ड्राइनेस, पता नहीं आई डोंट थिंक ड्राइनेस किसको बोलते हैं, बट ऐसा ना ऐसा लगता है कि आपके आई में ना कुछ चुभ रहा है, तो शायद उसी को ड्राइनेस ड्राइनेस जो बोलते हैं ना सब लोग, वो ड्राइनेस वही चीज़ होती है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके आईज में कुछ चुभ रहा है, कुछ फंसा हुआ है अंदर कुछ पार्ट। तो आप ऐसे बार बार ब्लिंक करोगे ना तो आपको कुछ चुभने जैसा लगेगा। अब उन्होंने तो बोल दिया कि आपको आज सिर्फ सोना है। अब और उसमें ये भी है कि आपको 3 दिन तक बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, आप थोड़ा लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई अब आपको एक तो सीधा सोना है, ऊपर से फिर ये है कि आपको जो है आपको वो ऐसा लग रहा है कि आपके आईज में कुछ है। तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाया था उस दिन, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मुश्किल से आधा घंटा मैं सोया हूँगा पूरी रात में। और मैं बस ये था कि अब सोना नहीं है तो मैं आईज क्लोज करा हुआ था, ठीक है। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकला, उन्होंने गॉगल जो होते हैं ब्लैक वाले, वो भी आपको परचेज करके आप जब सर्जरी के लिए जा रहे हो खुद ही ले जाओ, या फिर क्योंकि जो आपके साथ में अटेंडर होगा ना उसको वहीं से हॉस्पिटल से लेने पड़ेंगे, इससे बढ़िया वो नहीं देते अपनी साइड से, आपको खरीदने पड़ते हैं। तो ये मतलब है कि आप जो है पहले से ही लेके जाओ, है ना। तो वो आपको जैसी सर्जरी होनी है उसके बाद गॉगल लगा लो, और फिर उसके बाद में आप जाओ अपने, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे गया था तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर चेक किया, तो नेक्स्ट डे उसमें क्लियर जो है वो 6x6 विज़न मेरा आ गया था। फिर उन्होंने मेरे को एक दो टेस्ट के लिए भेजा। देन उसके बाद में जो है जैसे जिस दिन सर्जरी हो रही है उसके बाद में नेक्स्ट डे बुलाते हैं वो, ठीक है। जो टेस्ट होता है उसमें विज़न चेक करते हैं आपका 6x6 है या नहीं, या जो भी विज़न है 6x5 है या जो भी है वो चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो आपको नेक्स्ट वीक बुलाते हैं, नेक्स्ट वीक में भी वो यही देखते हैं कि आपका विज़न क्लियर है। फिर नेक्स्ट वीक के बाद में वो आपको बुलाएंगे आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है। तो आफ्टर 3 वीक्स मेरे जो है अभी वो मंडे को होंगे, तो मैं जाऊंगा मंडे को। और ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो बस यही है मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इसमें पूछना। अब कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे लास्ट वीडियो में आए थे यही लेसिक सर्जरी से रिलेटेड, वो मैंने कुछ पिक किया आपके साथ में बताता हूँ। ये प्रियंका साहू, आज ही इनका कमेंट आया है, तो मैं आपको क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने ये बोला था कि मैं 1 तारीख को वीडियो डालूंगा और आज ये वीडियो 2 तारीख को आया है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, तो अभी मैं आपको, मेरी आईज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये प्रियंका साहू पूछ रही है कितना प्राइस है, तो मैं अब क्या बोलूँ इनको, मतलब मैं सब कुछ पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको अगर वो वीडियो में आप फिर मुझे ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन यार मत पूछा करो यार, जब सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं इसमें, ठीक है। और मोटिवेशन ट्रू लाइन ये पूछ रहे हैं, ICL भी होता है कि? हाँ जी, ICL भी होता है वहाँ पे। ICL की कॉस्ट अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख प्लस है, क्योंकि क्या होता है ये जो स्माइल होता है ना और जो लेसिक होता है इसमें क्या होता है, कॉर्निया को कट के किया
किया जाता है, लेकिन जो ICL होता है ICL उनके लिए होता है जिनका नंबर ज़्यादा है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, मेरे को जितना पता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ICL उनके लिए होता है जिनका नंबर ज़्यादा है, अप्रोक्स जो है 7-8 नंबर है उनका ICL होता है ना, तो उनका होता है। तो ये है कि वहाँ पे क्या होता है, बाहर से लेंस बन के आता है, वो लेंस जो होता है वो प्रोटीन का होता है, जैसा कि वहाँ पे मुझे किसी ने बताया था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम भी लगता है, तो इसलिए वहाँ पे ICL होता है, और ICL एक्सपेंसिव भी होता है। और वो क्या होता है, रिमूवेबल लेंस होते हैं, वो लेंस लग जाते हैं परमानेंट, बट आप उसको रिमूव भी करवा सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस तो हम खुद भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन वो वाले लेंस होते हैं ICL में वो हम खुद नहीं निकाल सकते, हमें हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा जब हमें कोई प्रॉब्लम आए, है ना। और स्पेशली उन्हीं के लिए होता है जिनका नंबर ज़्यादा है। और ये हैं, एक पूछ रहे हैं आदिल टक करके हैं, ये पूछ रहे हैं कार्ड बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कार्ड बनवाने के लिए ऐसा है कि पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मैंने बताया ही था। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड करोगे या आधार कार्ड नंबर डालोगे, तो फिर आपको कार्ड बनवाने के टाइम पे कुछ नहीं ले जाना, पर जो आपने अपॉइंटमेंट लिया वो रिसिप्ट ले जानी है, फिर वहाँ पे आपको कार्ड बन जाएगा, है ना। और ये बोलते हैं आदिल तक, ये भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कार्ड नहीं बनता है क्या। नहीं, ऑनलाइन कार्ड नहीं बनता, ऑनलाइन सिर्फ अपॉइंटमेंट होता है, कार्ड आपको वहीं पर जाके फिजिकली बनवाना पड़ेगा। और जिस दिन आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम कार्ड बनवाने, उस दिन आप अगर आप पहुँच जाना 6 बजे 5 बजे तक, क्योंकि आपको OPD और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो मैंने बताई है वीडियो में पहले वाली में। और इसके पहले इंडियन फन करके हैं, ये पूछ रहे हैं एपिकोंड्यूरा सर्जरी नहीं होती क्या दिल्ली एम्स में। तो भाई मैंने बताया, वहाँ पे कोंड्यूरा की मशीन जो है वो ख़राब थी, आज जो है वो 2 अक्टूबर है, और आज मुझे नहीं पता कि वहाँ की जो मशीन है वो अब चालू हो गई है। तो आप एक बार एम्स में जाके पता कर सकते हो कोंट्यूरा की कितनी कॉस्ट है। कोंट्यूरा की कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेट 22,000 ही है, जितनी लेसिक की कॉस्ट है उतनी ही कोंट्यूरा की कॉस्ट है, है ना। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चूज़ नहीं कर सकते कि हमें कौन सी सर्जरी करवानी है, हम सिर्फ अपना रेफरेंस दे सकते हैं कि अबे ये वाली सर्जरी करवानी है, बाकी डॉक्टर का ही डिसीजन है, ठीक है। स्टूडेंट YT करके कोई हैं, ये बोल रहे हैं आफ्टर सर्जरी आपका स्पेक्स निकल गया पूरा क्या सर, ऑल ओवर कितना कॉस्ट आया। तो मेरा स्पेक्स बिल्कुल निकल चुका है, मैं ऐसे ही विदाउट स्पेक्स ही शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है। 6x6 डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया आपका 6x6 है। तो इसके साथ में क्या कॉस्ट, तो मेरी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 21,600 कुछ रुपये आई थी, है ना, तो 22,000 भी नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वेल पनवार है, ये पूछ रहे हैं ब्लेड यूज़ हुआ आपकी सर्जरी में या नहीं। तो यार ब्लेड तो मतलब जो मैंने आपको बताया जो मशीन थी ना लेसिक और स्माइल की, वो जो सेम ही मशीन होती है ना, तो उसमें क्या है जो कॉर्निया को कट करते हैं, अब वो क्या है मशीन से करते हैं, तो शायद हो सकता है वो ब्लेड ही होता हो, है ना, कि ब्लेड से उन्होंने कॉर्निया कट किया, देन उसके बाद में उन्होंने वो लेज़र से उन्होंने क्लीन किया कॉर्निया को जो बाकी अंदर वाला पार्ट था, और सर्जरी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे कट किया तो हमें स्टिचेस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जो वो जो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं ना, वो आप ड्रॉप डालते रहो कंटिन्यूसली, जैसा वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप जो है वो चिपक जाएगा जैसे वो लगा हुआ है पहले से, है ना। और इसके साथ में तो ये ब्लेडलेस या ब्लेड मुझे नहीं पता, बस हुआ कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने कट किया, तो मैं उसको ब्लेड ही कहूँगा, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NV पैराबॉय करके हैं, जो लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई मैंने कर दिए थे या फिर ऑलरेडी कवर कर लिए। ये पूछ रहे हैं कि आपका कॉर्निया का थिकनेस कितना था। अब अगर कोई जिसने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है तो उसको पता भी नहीं होगा कॉर्निया थिकनेस, ये क्यों पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्निया होता है ब्लैक वाला पार्ट, है ना, तो कॉर्निया थिकनेस इसलिए वो पूछ रहे हैं, और मैं आपको बता भी देता हूँ मुझे नहीं पता कि मेरा कॉर्निया का थिकनेस कितना था, क्योंकि वो एक डीप रिसर्च हो गई, मतलब डीप नॉलेज हो गई जो मेरे पास नहीं है, मैंने सर्जरी करवानी थी करवा ली, है ना। तो कॉर्निया थिकनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉर्निया का साइज़ है ना वो कितना है, क्योंकि वो कट करते हैं ना, तो कट वो जब ही करेंगे जब वो मोटा होगा, अगर वो पहले ही छोटा पतला सा होगा तो वो कट कैसे करेंगे, तो इसलिए कॉर्निया की थिकनेस। और जब आप कभी, शायद हो सकता है इनके साथ में ऐसा हो कि ये कभी गए हों और इन्हें बोला हो कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है इसलिए अभी हम आपका सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ में ऐसा होता है।
और लेकिन अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस सही है तो वो उसको फ्लैप को कट करेंगे कॉर्निया को, फिर वो सर्जरी करेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में रेडी हूँ रिप्लाई करने के लिए। अब तो आइज़ भी बिल्कुल सही हैं, पहले तो ऐसा था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाना नहीं था। और ड्रॉप उन्होंने दिए हैं मुझे, फ़ोन का भी ऐसा है कि ये बोला था 3 दिन आपको स्ट्रेट सोना है, फिर उसके बाद में बाहर कहीं जाओ। जैसे आपको क्या रब नहीं करना है अपनी आईज़ को, बाकी आप कुछ भी कर लो, टीवी देख लो, अगले दिन से टीवी देख लो। मोबाइल फ़ोन जो है, कंप्यूटर जो है, वो धीरे धीरे यूज़ करना है। मतलब पहले आफ्टर सर्जरी फर्स्ट डे थोड़ा सा चला लिया आधा एक घंटा, फिर उसके नेक्स्ट डे आपने 3-4 घंटे, फिर 4-5 दिन बाद आपने कंटिन्यू, जैसे आप 8 घंटे 12 घंटे जैसे आपका वर्क है वैसे कर लो। बट स्टार्टिंग में फेस में आपको लोड नहीं डालना है। तो यार इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ट्रेवल ब्लॉग के साथ में जल्दी। थैंक यू।